यूपी के श्रावस्ती में जहरीला साग खाने से 3 सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर डीएम और एसपी ने घटनास्थल का दौरा कर पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अन्य पहलुओं पर भी बारीकी से पड़ताल की जा रही है। हम भूखा छोड़ जने देवर रहे कौन सा खाना था वो करीब 12 बजे के बाद दोपहर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। उसके बाद जब तक उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता तब रास्ते में 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे को भिंगा में एडमिट कराया गया, जहां आज सुबह उसको इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया था। बहराइच में आज बड़े बच्चे ने भी अपना दम तोड़ दिया। जो 2 बच्चे थे उन 2 बच्चों को परिवार ने कल ही दफना दिया था। तीसरा बच्चा की लाश अब वहाँ पर मौके पर आ गई। मौके पर कोई शांति व्यवस्था की ऐसी कोई परेशानी नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। इसके बारे में और जानकारी की जा रही है कि घटना का कारण क्या हो सकता है।